फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे मेंसुरेशन का कुछ मैं सिलेक्टेड आपके एग्जाम बेस से क्वेश्चन में लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट पार्ट वन पार्ट टू का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज जाकर पार्ट वन पार्ट टू का वीडियो देख लें, क्योंकि यहां पर आपको हम आज पूरा इंपॉर्टेंट पूरा सिलेक्टेड मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, समझ गए। चलिए थोड़ा वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं फॉर्मूला क्या क्या हम लोग प्रूव किए थे और क्या क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, पहला में हम आपको बताए थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, बोलिए क्या फॉर्मूला बताए थे, √3/4a² बताए थे। चलिए दूसरा में हम आपको बताए थे दूसरा में इसका ऊंचाई निकालने के लिए, ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2a होता है। और परिमाप बराबर बताए थे क्या आपका 3a, ये कल प्रूव कर दिए थे कल के वीडियो पिछला वाला वीडियो में, समझ गया ना। उसके बाद यहाँ पर बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज का, दो नंबर में बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले थे, क्षेत्रफल एरिया बराबर बोले क्या बताए थे, b/4 √4a² - b² बताए थे, ये बताए थे समबाहु त्रिभुज का। चलिए, इसका ऊंचाई बराबर बताए थे 1/2 √4a² - b² बताए थे। और इसका परिमाप बराबर बताए थे आपको, यानी इसको परिमाप 2a+b बताए हुए थे, ये डाटा बताए हुए थे करने में। चलिए अब यहां से एक चीज और, विषमबाहु त्रिभुज का पेरिमीटर यानी परिमाप निकालेगा, परिमाप बराबर a+b+c बताए थे। और इसका अर्ध परिमाप निकालने के लिए बताए थे, अर्ध परिमाप a+b+c/2। और इसका एरिया निकालने के लिए बताए थे √s(a)(b)(c), ये बताए थे। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ गए ना। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं इसको नोट कर ले अपने कॉपी में और या स्क्रीनशॉट ले ले इसको, कहने मतलब ताकि आपको याद रहेंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पहले कहने मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, सारे विद्यार्थी एक नंबर क्वेश्चन पढ़ ले बहुत अच्छे तरीके से। चलिए एक नंबर जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर लग गए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। एक नंबर कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई क्या होगा, यानी दिया गया है a बराबर 4√3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बोलिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल पूछा है, तो √3/4a² होता है, तो बोलिए √3/4 और a का मान बोलिएगा 4√3 गुना 4√3, 4 से 4 को काट देंगे और यहां से देखिएगा √3 × √3 होता है, और 4 × 3 = 12 यानी 12√3 यही आपका एरिया हो जाएगा। देखिए एक बार कैलकुलेशन में फिर से समझिएगा, 4 से 4 को काट दिए हैं और √3 × √3 कितना 3 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12, 12√3 हो जाएगा। ये तो क्या निकला आपका, ये आपका क्या निकल गया, एरिया निकल गया। अब हाइट निकालने के लिए h बराबर बोलिए √3/2a होता है, यानी √3/2 a का मान बोलिए कितना दिया गया, 4√3 दिया गया, इसको काटिए 2, देखिए कितना होगा 3 × 2 = 3 = 6 सेंटीमीटर आ जाएंगे। चलिए इसका बोला था एरिया और हाइट निकालने के लिए, यही तक बोला हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं, कहने का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपके बोर्ड पर लग गया होंगे, कहने का मतलब देखिए आपका जो क्वेश्चन देता है ना एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देगा, आप तो खैर मिक्सिंग ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गए, कभी कभी एरिया देता है तो आपसे कहने मतलब आपका साइड पूछ लेगा, कभी हाइट देगा तो साइड पूछ लेगा, पेरीमीटर पूछ लेगा, कहने मतलब
ये तो टोटल आपको दिए गए का ना मतलब। चलिए दो नंबर क्वेश्चन था आपका, कहने का मतलब एक बार पढ़िएगा सारे विद्यार्थी। दो नंबर क्वेश्चन, दो नंबर दे रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, देखिएगा एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर है। देखिए समबाहु त्रिभुज ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट थ्री बाई टू ए बराबर होता है 18। अब यहां से देखिएगा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रूट थ्री अब देखिए इसको कर देते हैं यहाँ ए बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं 18 गुना 2 और यहां से होगा रूट थ्री। चलिए अब यहां से इसको काटिएगा, ए बराबर बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर 3 गुना 6 लिखेंगे और गुना 2 लिखेंगे और बट्टा रूट थ्री। अब देखिए 6 3 18 आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा, गुना 2 तो 2। अब रूट तीन से इसको काटिएगा रूट तीन बार, अब बोले ए बराबर, ए बराबर 12√3, नीचे दिखाई दे रहा है ना, ए बराबर 12√3 आ जाएंगे, यानी ए बराबर आपका कितना है, ए बराबर 12√3 सेंटीमीटर यानी आ जाएंगे। अब बताइए ए बराबर कितना गया, 6 × 12√3 यानी ए बराबर 12√3 आ गया। आपसे पूछा था, कहने का मतलब इसका ऊंचाई दिया गया था, आपसे पूछा क्या इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, बोलिए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होते हैं, तो बोलिए रूट थ्री बाई फोर ए का मान बोलिएगा 12√3 गुना 12√3। अच्छा ये बताइए दो बार क्यों लिखे हैं, ए स्क्वायर है यानी कहने का मतलब 2 times मल्टीप्लाई होगा, तो ए से काटिए 12 को, 4 से काटिए कई बार 3 बार। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 3 36, अब देखिये 3 × 3 है तो बोले 36 × 3 और रूट थ्री आ जाएगा, यानी 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है, अरे कह नहीं बोल रहा है, नीचे ना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है वीडियो में। ये ए बराबर कितना जाएगा, 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे, आया था ना इतना आंसर। चलिए एक बार इसको फिर से समझिए, देखिए यहां पर आपका हाइट दिया था, हम आपको बताएं आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा एरिया देगा तो आपसे कहने में साइड पूछ लेगा, एरिया देगा हाइट देगा कहने मतलब तो आपसे साइड पूछ लेगा कहने का मतलब। चलिए आगे हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहने मतलब, वीडियो के आप रोक कर इसको उतार सकते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक कर इसको उतार लीजिएगा। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा पढ़िएगा। तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154√cm है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिएगा दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी जितना भी समबाहु त्रिभुज के कहने मतलब प्रत्येक भुजा ए बराबर वृत्त के त्रिज्या यानी आर के बराबर होगा, समझ गए ना, ए बराबर क्या होगा आर, जितना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है ना वो वृत्त के त्रिज्या के क्या है बराबर है। आपसे दिया गया है क्वेश्चन में तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया कितना 154 cm², कितना दिया गया 154 cm². तब बोले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होता है 154 cm². चलिए अब यहां से देखिएगा पाई का मान पहले ले पुट कर देंगे, तब बोले 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर बोलिए कितना होगा 154 हो जाएंगे cm². अब यहां से देखिएगा काटिएगा आर स्क्वायर बराबर बोलिएगा 154 × 7 अब बाटा बोले कितना होता है 22। अब 22 से काट इसको कई बार में 7 बार में कट जाएंगे। अब यहां से बताइएगा आर स्क्वायर जो है ना यानी आर बराबर √7:7, तो बोलिए आर का मान कितना जाएगा 7 आ जाएगा,
यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपका क्या आया 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तब बोलिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर होते, यानी भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा √3/4, अब बोलिए ए का मान कितना है 7, 7 × 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा 49√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे, यही समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा। ये क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर हो गया। धन्यवाद। उतारिए 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। तो यहां पर आपका आ गया 49√3/4 आपका आ जाएगा आंसर। चलिए यहां पर थोड़ा एक बार और समझ लीजिए, यहां पर दिया था किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, तो पहले जितना रेडियस होगा ना वही समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई होगा। तो आर का मान हम लोग निकाल लिए हैं और आर का मान निकाल कर यहाँ पुट कर लिए हैं और आर का मान निकाला है तो वही आपका समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे कहने का मतलब। मार्कर में एक डालिए था ऋतिक, एक डालिए मार्कर में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे हुए क्वेश्चन पहले देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है इस एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम कर देने पर, एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम करने तथा आधार की लंबाई 40% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कंसेप्ट को समझ जाइए, जब भी 2% दे 2D में देगा क्वेश्चन करने का बनाने के लिए तो उसको AB वाला फॉर्मूला से बनाइएगा। AB वाला फॉर्मूला क्या कहता है पहले समझिए यहाँ पर करने का। AB वाला फॉर्मूला जो होता है A+B और यहाँ पर होता है ±A(B/100 100। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा, यहाँ पर 2 डाटा आ गया प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे इसको समझ लीजिए। जब यहाँ पर डाटा रहेगा प्लस और गुना माइनस तो यहाँ क्या लीजिएगा माइनस, अब माइनस रहेगा पहले यहाँ रहेगा प्लस तो यहाँ क्या लीजिएगा माइनस, अब प्लस गुना प्लस रहेगा तो क्या लीजिएगा प्लस, अब माइनस गुना माइनस रहेगा तो क्या लीजिएगा प्लस लीजिएगा। अब देखिए माइनस कब लेना है प्लस कब लेना है ये भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि जब भी बोलेगा कमी कमी बोलेगा तो आप क्या लीजिएगा ऑलवेज माइनस लीजिएगा, वृद्धि बोलेगा तो ऑलवेज क्या लीजिएगा प्लस लीजिएगा, ये चीज याद रखिएगा, समझ गए ना। ये AB वाला फॉर्मूला हमेशा आपका 2D में इंप्लीमेंट होगा, यानी 2D में ही आपका यूज होगा। अब इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या मतलब, इस क्वेश्चन को समझिए, दिया गया है क्या ऊंचाई में 40% की कमी करने पर तथा आधार में 40% की वृद्धि करने पर, देखिए 40% की कमी दिया गया था -40% हो जाएगा और यहां से देखिएगा फिर प्लस आपका फिर दिया गया 40% की वृद्धि तो प्लस लिखेगा 40 और देखिए प्लस माइनस इंटू प्लस क्या हुआ माइनस 40 × 40 अब बटा बोले कितना हो जाएगा 100। ये आपका AB वाला फॉर्मूला हो गया। अब सोना से सोना को काट दीजिए और ये 40 + -40 कट गया बोले माइनस कितना गया 16%। अब देखिए माइनस का मतलब हम आपको बताए कमी, यानी 16% के क्या होगा 16% के क्या होगा कमी होगा 16% क्या होगा कमी हो जाएगा। अब देखिए आप तो इसको ऐसे बना लिए लेकिन हम आपको बताते हैं ट्रिपल स्टैंड या कैसे बताते हैं उसको पहले देख लीजिएगा, वहां पे जो माइनस आएगा बीच में वो बीच वाला से नहीं होगा यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे, समझ गए ना। फ्रैक्शन मेथड आपको ट्रिपल स्टार हम बताते हैं, ये कोई भी क्वेश्चन होगा देखिए ज्यादातर क्वेश्चन विद्यार्थी गलती क्या करता है 16% तो आंसर सारे विद्यार्थी के आ जाते हैं लेकिन आपका ऑप्शन में रहेगा 16% कमी 16% वृद्धि, तो आप डाउट में चल जाएगी 16% कमी मारे या 16% वृद्धि मारे। तो ट्रिपल स्टार नियम से बनेगा तो कोई क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं रहेगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं 40% के क्या हुआ है 40% के कमी हुआ है, उसके बाद बोला गया 40% के क्या हुआ वृद्धि हुआ है। अब देखिए इसको ट्रिपल स्टार नियम से कैसे बनाते हैं, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर समझिएगा, 40% का फ्रैक्शन 40 बटा क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे यहाँ पर 40% को करना मतलब, काटिएगा तो बोलिए कितना होगा 2/5 आ जाएंगे, कितना जाएंगे 2/5 आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 2/5 आया, अब बोला है कमी तो माइनस करेंगे, कमी बोला तो माइनस करेंगे बोलिए कितना जाएगा
तीन बटा पांच हो जाएगा। और इसके बाद वृद्धि बोला है तो देखिए दो बटा पांच इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा ही, यानी कितना आएगा दो बटा पांच, तो वृद्धि बोला था क्या करेंगे यानी सात बटा कर देंगे यानी सात बटा पांच। अभी इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे कहना मतलब, अब यहां से देखिए पांच से घट कर कितना हुआ है तीन हुआ है, और ये देखिए पांच से बढ़कर कितना हुआ है सात हुआ है। चले जो डाटा कटने वाला उसको काटिए, कब काटिएगा तिरछा तिरछी काटिएगा, क्रॉस काटिएगा, नहीं आमने सामने मत करिएगा, पच्चम पच्चीस यहाँ कितना होगा पच्चीस, और ये बोले कितना होगा सात तरी इक्कीस होगा। अब यहां से देखिए पच्चीस से कितना हुआ इक्कीस, तक कमी हुआ कि वृद्धि कमी, तो क्या निकलेगा परसेंटेज कमी निकलेगा, नीचे दिखाई दे रहा है ना क्या निकला परसेंटेज कमी निकलेगा, कितना का कम हुआ है बोलिए तो कितना कम हुआ है, पच्चीस में से इक्कीस घटे कितना हो जाएगा आपका चार कमी हुआ है, लेकिन कितना पर हुआ है आपका पच्चीस पर हुआ है। तो देखिए यहां पर इसको क्या कीजिएगा गुना कीजिए 100% 100 से, यानी चार बट्टा पच्चीस गुना 100%। अब इसको काटिए पच्चीस कई बार में कटेगा चार बार, चार चौगा 16, यानी 16% क्या होगा कमी होगा। ट्रिपल स्टार नियम से कोई क्वेश्चन को बनाए 2D का हो क्वेश्चन या 3D का क्वेश्चन हो कभी भी गलती नहीं होगा और पूरा करेक्ट आपका आंसर आएगा। जब आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो यहाँ बताएंगे परसेंटेज कमी में कर, परसेंटेज कमी की निकालने के लिए अधिक वाला से भाग देते हैं और वृद्धि निकालने के लिए कमी वाला से क्या करते हैं भाग देते हैं। बस ये चीज याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं ट्रिपल स्टार नियम करने वाला। ऑफलाइन बैच में आपको बहुत बढ़िया से इसको आते हैं पढ़ाते हैं, ऐसे परसेंटेज का वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें इसको बहुत डिटेल से समझेंगे। 2D का जो भी क्वेश्चन हो या 3D का पूरा कंसेप्ट से आप ऐसे ही बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, पांच नंबर। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, एक बार पढ़िएगा सारे विद्यार्थी पांच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब पांच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है लिखिएगा। चलिए दिया गया है यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार तथा इसके संगत ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए आधार तथा ऊंचाई का दिया गया है यानी बेस और हाइट का जो है ना कहने मतलब रेशियो क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है कहने मतलब कितना दिया गया है यानी 3:4 दिया गया है, कितना है 3:4। अब यहां से देखिए दिया गया है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी और एरिया दिया गया है आपका, एरिया दिया गया है समझ गए ना, तो बोले त्रिभुज के एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब यहां से देखिए एरिया बराबर फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू क्या होगा हाइट होगा। चलिए यहां से बोलिएगा, अब देखिए एरिया का मान दे दिया है, एरिया का मान कितना दिया गया है, एरिया आपका दिया गया है क्वेश्चन में कहना मतलब आपका एरिया दिया गया है 1176, कितना 1176 दिया गया। अब देखिए यहां पर पहले क्या कीजिए इसको x मान लेते हैं 3x और इसको क्या मान लेंगे 4x मान लेंगे। चलिए अब देखिए 1/2 इंटू कितना हुआ? बेस कितना है आपका कहना मतलब 3x है, कितना है 3x और हाइट कितना है 4x है, हाइट कितना है 4x है। चलिए इसको काटते हैं दो से बोले कितना हो 2 है। अब यहां से इसको कैलकुलेशन कीजिए 1176 और ये हो जाएंगे कितना हो जाएंगे ये आपका अच्छा ये हो जाएंगे यानी कहने का मतलब 6x² कितना हो जाएगा 6x² 3 × 6। चलिए 6 से काटते हैं इसको कहने का मतलब 6 से काटे 6 × 1 = 6 कैरी कितना बचेगा आपका 5 57 होगा 6 × 9 = 54 9 हो जाएगा और यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा कहने मतलब 54 6 हो जाएगा 196 आ जाएंगे। चलिए अब इसको रूट लगा रूट चढ़ा दीजिएगा x बराबर रूट आ जाएगा यानी आपका आ जाएगा कितना 14 x का मान कितना देगा 14 x बराबर कितने आगे 14। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कहने मतलब हाइट पूछा गया, हाइट यानी ऊंचाई पूछा गया। चलिए ऊंचाई यानी क्या हाइट, अब बोलिए हाइट हम लोग क्या माने यहाँ पर देखिएगा 4x कितना माने हैं 4x तो बोलिए 4 × कितना हो जाएगा 14 बोले 14 से होगा कितना होगा 56 सेंटीमीटर हाइट हो जाएंगे, यही क्या हो आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को पहले बनाने से पहले देखिए थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर जो डाटा दिया था ना
आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया था। तो देखिए रेशियो में था तो इसको क्या किया हम, इसको मान लिए आप एक समान लिए और एरिया आपका दिया गया था। देखिए अभी जो ट्रेनिंग क्वेश्चन का है इस टाइप का क्वेश्चन ट्रेनिंग है। देखिए सिंपल सा रूल है, सिंपल अगर क्वेश्चन देगा तो आप बहुत आसानी तरीके से बना लीजिएगा, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन में ट्रेंड चल रहा है, हाइट देगा तो साइड पूछ लेगा, एरिया देगा तो साइड पूछ लेगा आपसे, कहने मतलब। देखिए यहाँ पर एरिया दिया था, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1176 का एक्स का मान काट किए हैं, कितना गया 14 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, ऊंचाई ऊंचाई था और यही पूछता बेस का। देखिए कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसका आधार क्या होगा, कहने का मतलब आधार का आंसर कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, कहने मतलब 6 नंबर क्वेश्चन पर, कहने का मतलब 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं सारे विद्यार्थी। वीडियो कितने मिनट में हो गया, चलिए अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कहने का मतलब। चलिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं, मतलब एक समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्या दिया, एरिया दिया गया है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो बोले एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो गया, √3/4 ए स्क्वायर होते हैं। अब बोले कितना 24√3, तो देखिए √3 से √3 को काट दीजिए, यहां पर करने मतलब √3 से √3 कट जाएगा। बोले ए बराबर, यानी ए बराबर बोलिएगा 24 गुना कितना 24 और गुना इसको 4, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, ये स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या ए बराबर इसको बोलिए क्या लिख सकते हैं, यानी 6 गुना 4 गुना 4, 6 चौका 24 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। चलिए ए बराबर बोलिए ए बराबर 4√6, आपका समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आएगा 4√6। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो परिमिति क्या होगा, कहने का मतलब। चलिए परिमिति यानी परिमाप, यानी परिमिति होगा परिमाप बराबर, बोलिए परिमाप बराबर क्या होता है 3a, क्या होता है 3a, 3a का मान बोलिए कितना आया 4√6, 4√6 मल्टीप्लाई कीजिए 4 × 3 = 12√6, यही आपका परिमाप हो जाएगा, आंसर आपका यही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कहने का मतलब। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर दिया गया है, बोर्ड पर लग गए होंगे, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बोर्ड पर। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन हम दे दिए हैं आपको, क्या स्टैंडर्ड है देखिएगा। एक त्रिभुज की परिमिति 100 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:2 है, यानी 1:2:2 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अच्छी बताइए, ये चीज जो दिया गया है ना, आपका अनुपात रेशियो दिया गया है, आपको रेशियो देखने से क्या पता चल रहा है कौन सा ट्रिंगल है, बताइए इसमें दिया गया है ना, मतलब यानी 1:2:2 दिया गया है, समझ गए ना, यानी दिया गया ये, यानी आपका जो है ना, यानी बी का मान ये दिया है और ए का मान, और ए का मान बोलिए कौन सा ट्रिंगल होगा, क्या बोलिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब यहां से देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया यानी परिमिति दिया गया, कितना दिया गया है परिमिति दिया गया 100 मीटर। अच्छी बताइए रेशियो में सब परिमिति क्या बोलते हैं, सबको जोड़ देते हैं, कहना मतलब सबको जोड़ दीजिएगा, तो बोलिए कितना परिमिति बराबर हो जाएंगे, यहां पर देखिए 5 2 2 4 1 5, 5 का मान कितना दिया गया है 100 दिया गया है, तो बोलिए 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा 20, 1 का मान 20 हो जाएगा। चलिए भुजा आपके कितना हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 20 और ये बोले कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 40। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए क्षेत्रफल आपसे पूछा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, कहने मतलब
चलिए अच्छा इसको थोड़ा यहां बना देते, जगह मिल जाएंगे। चलिए यहां पांच बराबर कितना था, पांच बराबर सौ, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, कहने का मतलब एक बराबर बीस आ जाएंगे। चलिए आपसे पूछा है क्षेत्रफल, बोले क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई फोर रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। तो चलिए बी का मान बोलिएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, कहने मतलब बी का मान यह कितना बीस, यानी बीस बट्टा फोर रूट अंडर बोलिएगा फोर, ए का मान बोलिए, ए का मान कितना है, ए का मान चालीस है, तो बोले चालीस का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, बीस का स्क्वायर हो जाएगा, कहने मतलब। चलिए अब देखिए इसको काटिएगा तो पांच रूट अंडर बोलिए फोर गुना सोलह सौ हो जाएंगे और माइनस चार सौ हो जाएंगे। चलिए यहां से मल्टीप्लाई पांच और ये बोलिए कितना होगा, सोलह चौका चौसठ, चौसठ माइनस चार सौ, तो इसको बोलिए पांच, ये क्या हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, छ हजार हो जाएंगे, कहने का मतलब। चलिए अब देखिए इसको ब्रेक कर देते हैं, अब बोलिए इसको छ हजार का ब्रेक कर देते हैं, कहने का मतलब। चलिए यहां से देखिएगा पांच और ये बोलिए क्या हो जाएगा, पंद्रह चौबीस में पंद्रह में पंद्रह कर देते हैं, पंद्रह और पंद्रह गुना, अच्छा पंद्रह गुना चार सौ कर देते हैं, कितना होगा पंद्रह गुना चार सौ। चलिए अब बताइए कितना होगा पांच और ये चार सौ का वर्गमूल कितना होता है, चार सौ का वर्गमूल बीस और ये कितना होगा पंद्रह, यानी आपका आ जाएगा एरिया एरिया बराबर सौ रूट कितना आ जाएंगे, सौ रूट पंद्रह आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या करेक्ट है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, सौ रूट पंद्रह सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या होगा आपका एरिया हो जाए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।